नया दिन नई सुबह और नए वीडियो के साथ हम लोग फिर वापस हैं आपके अपने चैनल हार्ट इन रूट्स में। और चलिए आज दिखाती हूँ आज मम्मी को क्या क्या काम करना है और क्या कर रही हैं। आइए तो देखिए, मम्मी ने सारे ओकरा यानी भिंडी को हटा दिया है पूरा का पूरा। और उस दिन पापा ने थोड़ी हेल्प की थी और उसके बाद मम्मी ने पूरा पूरा हटा दिया है। और हमारा जो मिर्चे का प्लांट है, आप देख सकते हैं कितना छोटू सा था, अब बड़ा बड़ा हो गया है। मिर्चे के प्लांट के साथ साथ वो वाला भी प्लांट मिर्चे का बहुत बड़ा हो गया है। और सारे पीस के पीछे भी ये वाले भी मिर्चे बहुत अच्छे हो गए हैं। बैंगन तो अपने आप अपनी धुन में है, प्लस हमारी रेड भिंडी तैयार हो रही है धीरे धीरे। और देख सकते हैं अब ब्लूमिंग का टाइम आ रहा है इनका। ये रेड ओकरा है, अभी हम लोगों ने कभी मतलब इसको पहली बार लगाया है, तो अब देखते हैं कैसा होगा। यहाँ पर भी मम्मी ने इसको थोड़ा सा लगा रखा है और इसको मम्मी ने पॉली बैग में लगाया है, मतलब ग्रो बैग में। तो देख सकते हैं ग्रो बैग में थोड़ा सा वेजिटेबल्स लगने में इजी होते हैं, अच्छे भी रहते हैं। जो इस तरीके के पॉली बैग आते हैं ग्रो बैग, वो आप ना यूज़ करें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देख सकते हैं हमारे इसके रिस्पॉन्स अच्छे नहीं है। इस तरह के ग्रो बैग ज़्यादा अच्छे सही रहते हैं। और यहाँ पर मम्मी इस पर थोड़े बहुत अपनी किचन वेस्ट डाल के ला के डाल रही हैं और थोड़ा इसको फिर से फर्टाइल बना के अब जाके इस पर नए सब्जियाँ लगेंगी। और दिखाते हैं हम अपना किचन वेस्ट। और ये देखिए, ये किचन वेस्ट है पूरा का पूरा। और इसको अभी अभी थोड़ा सा, ये ज़्यादा कुछ महीने का नहीं, कितने टाइम का है मम्मी? ये 3-4 महीने पहले का है। और देख सकते हैं इसमें सब कुछ है, बट अभी इसको धीरे धीरे मम्मी खाली कर रही हैं। और देखिए ये पत्ते की खाद है आई गेस ना, ये पत्ते की खाद है, सॉरी किचन वेस्ट नहीं है, ये पत्ते की खाद है। और जो भी हमारे घर किचन वेस्ट भी मिक्स है, जो हमारे किचन वेस्ट है थोड़े बहुत वो भी मिक्स हैं इसमें। तो फूल माला भी होते हैं, और जो फूल माला होते हैं वो सारे मिक्स है इसमें। प्लस हमारे घर पे कारपेंटर का काम चल रहा था, देख सकते हैं ये माला निकल रहा है। जो मंदिर के जो भी फूल माला होते हैं उनको मम्मी यूज़ कर लेती है यहाँ पर, क्योंकि फेंकने से अच्छा है कि अगर जहाँ एक जगह भगवान को चढ़ गए, अब उसके बाद हमारे पेड़ों के भी काम हो जाएंगे, एनवायरनमेंट भी एक हमारे गॉड की तरह है, अब उनको सैयार के रखेंगे और अच्छे से रखेंगे तो खुश रहेंगे। तो ये मम्मी पूरा यहाँ पर डाल देती हैं। और साथ में जो कारपेंटर के काम चल रहे थे उसमें थोड़े बहुत हमारे जो लकड़ी के भूसे टाइप के निकले थे, जो लकड़ी के वेस्ट बचे थे छोटे छोटे, जो मतलब घिसने के बाद बचते हैं, वो सब भी मम्मी ने डाल रखा है। आप देख सकते हैं थोड़े बहुत हैं यहाँ पर भी, ये देखिए ये सारे वही सब हैं। तो ये देखिए अभी मम्मी दिखा भी रही हैं, ये सारे जो लकड़ी के रहते हैं ये सब भी डाल देते हैं। थोड़े बहुत कार्डबोर्ड्स होते हैं वो डाल देती हैं, या तो मिट्टी डाल देते हैं कि बदबू और स्मेल जो गंदी वाली रहती है वो ना आए। कार्बन का स्रोत होता है ना, लकड़ी के जो छिलके होते हैं इसमें कार्बन का स्रोत बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सूखे होते हैं तो हमारे गीले चीज़ों को वो मॉइस्चर होल्ड करते हैं और उसमें मॉइस्चर भी बना के रखते हैं। और ये पत्तियाँ हैं, पत्तियों को भी मैं डाल देती हूँ, इससे भी हमारी बहुत अच्छा स्रोत है कार्बन का। और पत्तियाँ तो ये सबसे बढ़िया होता है हमारे प्लांट के लिए पत्तियों का खाद। और ये माले फूल हैं जो गल जाते हैं। तो देख सकते हैं जैसा कि मम्मी ने बताया कि इसमें कार्बन के कार्बन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कार्बन का स्रोत होता है, तो इस वजह से इसको मम्मी यूज़ कर लेती हैं। और बिल्कुल आप जो भी अपने घर में इस तरीके से वेस्ट अगर हैं लकड़ियों के, जो एनवायरनमेंट से वेस्ट बने हैं, मैन मेड नहीं, जो एनवायरनमेंट से आए हैं, जो एनवायरनमेंट के हैं और उसी में इकोसिस्टम में ही वापस अपने आ जाएं, तो वैसे वेस्ट आप यूज़ करके आप उसको रीयूज़ करिए। और इतनी बार आप करेंगे उतने ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। प्लास्टिक देखिए उसमें अभी तक था और गलती से एक आग रह गया होगा, तो उसमें देखिए वो नहीं गला, क्यों? क्योंकि आप जानते ही हैं मैन मेड चीज़ें कभी सही से नहीं होती हैं। ये देखिए ये प्लास्टिक है, ये भी वैसे ही पड़ा है, ये मंदिर के ही हैं सब थोड़े बहुत जो इधर आ जाते हैं इसमें। और साथ ही साथ आपको दिखाते हैं कि हमारे सारे गार्डन में सारे देखिए जो वो लकड़ी है, जो लकड़ी का ये था वेस्ट था जी छिलके, वो अभी देखो ऐसे गल के ऐसे हो गए हैं, देखिए कितने अच्छे से ही गल गए हैं। यही तो है हमारा ब्लैक गोल्ड, और यही ब्लैक गोल्ड हमारे प्लांट्स के लिए कितने बेनिफिशियल होते हैं। देखिए थोड़े बहुत हर सब में डाल देते हैं तो इतने अच्छे से चल जाते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे सारे
गार्डन में जो सूखा पड़ा हुआ था गर्मी की वजह से, जो धूप थी इतनी तेज, उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर तरीके से, मतलब कहा जाए टचूट, बहुत अच्छी ग्रीनरी हुई है बारिश की वजह से। और यहाँ पर पापा ने उस दिन ट्रिमिंग कर दिया था तो ये भी थोड़ा ठीक हो गया है। अब धीरे धीरे ये इसमें भी लीव्स अच्छी आ जाएंगी। इन सबको भी ट्रिम कर दिया गया था और इसको रिपोर्ट भी कर दिया गया था। और हमारे रजनीकंदा भी अब रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिए हैं, एक दो बर्ड्स आ गई हैं उसमें। और हमारे पॉट्स के ऊपर स्लेन अब खिलना स्टार्ट करेंगे, और जो ब्लूमिंग आएगी ना वो देख के मतलब वो नज़ारे देखने लायक होंगे। देख सकते हैं उसकी फ्लावर्स कितने अच्छे होंगे इस बार तो। और यही नहीं, ये पूरी स्टेयर्स पे भी पॉट्स का पर्सेल लगा दिया गया, वहाँ पे पॉट्स का पर्सेल लगा दिया गया, हमारे बालकनी साइड में भी और हमारे रेलिंग साइड में, देखिए ऊपर पे पॉट्स का पर्सेल मम्मी ने लगा रखा है। और सारे खिलके अभी लगेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ हमारे रेन लिलीज, जो बर्ड्स आ गए हैं और इस बार हमें देखने को मिलेगा एक फुल ब्लूम के साथ, मदर रेन लिलीज। और देखिए कुछ खिलने तो सीड्स भी बन गए हैं उनके, तो अच्छा है, उसी में चले जाएंगे। एक देखिए ये हमारा रेन लिलीज में बाहर रह गया बच्चा, इसको मैं अंदर कर देती हूँ और इसको दबा देती हूँ। तो ऐसे ही रेन लिलीज भी हैं, एक ब्लूम हो चुका था, कुछ नए भी लिलीज मम्मी ने लिए थे तो अब वो भी खिल के दिखाएंगे। वो सारे उधर में हैं, आप देख सकते हैं ये सारे। तो अब ये सभी रेन लिलीज हैं, अभी वैरायटी वैरायटी मम्मी ने लगाए हैं, प्लस कुछ वेजिटेबल्स का भी मम्मी ने शायद लगाया है, तो ये वेजिटेबल्स आई गेस ये वेजिटेबल्स लगे हुए हैं मम्मी, वेजिटेबल्स लगे हुए हैं। नहीं, ये ब्लैक लिली प्लांट है। अब देखिए कुछ नया चीज़ देखने को मिला मुझे, तो होपफुली हाँ इधर देखिए, इधर में इसके लीव्स ब्लैक हैं, इधर भी देखिए, इधर देखिए, ये देखिए। तो अब कुछ नया देखने को मिला है, होपफुली जल्दी ये बाहर आएंगे तो दिखेंगे। तो ये है हमारा पूरा, आप देख सकते हैं, और इसको भी मम्मी ने पूरा ट्रिम कर दिया जो हमारे गुड़हल ख़राब हो रहे थे। अभी यहाँ पे थोड़ा अरेंजमेंट करना बाकी है। और आइए मैं आपको चेरी का प्लांट दिखा देती हूँ, मुझे भी आज पता चला है कि हमारे गार्डन में चेरी भी है। चीकू तो देखिए, चीकू थोड़े थोड़े इस तरीके से हैं, आज ही रिपोर्ट किया गया इसे, और चीकू खुश भी हैं, ठीक ठीक चीकू हो गए हैं। और ये हमारा चेरी का प्लांट है, और आज मुझे पता चला कि चेरी का प्लांट ऐसा होता है, और ये हमारे गार्डन में भी है, बहुत खुशी हुई देख के। अब लगता है कुछ समय में हमें चेरी खाने को भी मिलेगा, क्योंकि फ्लावर्स आ गए हैं, बर्ड्स आ गए हैं, और इसके फ्लावर्स खिल भी रहे हैं, आप देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। और होपफुली जल्दी हमें चेरी भी मिलेगा, और इस तरह से ब्लूमिंग अच्छी हो रही है। ये हमारा रजनीगंधा है, एक दो इसमें अभी आए हैं, लास्ट ईयर तो बिल्कुल भी दर्शन नहीं दिए थे, ये दूसरा है, और लास्ट ईयर बिल्कुल भी दर्शन नहीं, और दर्शन दिए भी तो बंदर ले गए। तो ये हाल था हमारा, आपको पता ही था, सब अपडेट दिया था हम लोगों ने। और ये हमारा चीकू है, और अंजीर भी साथ साथ अब अच्छी ब्लूम कर रहा है। तो ये थे हमारी पूरी गार्डनिंग पे एक छोटा सा ब्लॉग, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही शेयर करते रहिए और अपने प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।